तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साल 2022 के अंदर हीरो मोटोकॉर्प की इंडिया के अंदर कौन सी जो बाइक्स है वो लॉन्च होने वाली है। और गाइस मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं गाड़ी स्टार्ट। और गाइस आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो गाइस मेक श्योर कि आपने वीडियो पूरी देखी हो। और गाइस अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करते हो तो गाइस शायद आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मिस कर दो। और गाइस अगर आप इस चैनल पर अब तक न्यू है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलिए गाइस आप बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। और यहाँ पर गाइस हम बात करते हैं हमारी लिस्ट की पहली बाइक के बारे में, तो वो है गाइस हीरो XF3R। और इस बाइक का जो एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है वो है गाइस 1,80,000 और ऑन रोड बाइक को लगभग 2,00,000 के आसपास की पड़ने वाली है। यहाँ पर बात की जाए इस बाइक के इंजन के बारे में तो इस बाइक में गाइस आपको देखने को मिलेगा 300cc लिक्विड कूल्ड DOSC इंजन। और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 28 PHP के अराउंड की मैक्सिमम पावर और 35 Nm के अराउंड का मैक्सिमम टॉर्क। और इस बाइक में गाइस आपको 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स, आपको फ्रंट में USD फॉक्स सस्पेंशन और रेयर में गाइस आपको इस बाइक में एडजस्टेबल मोनोचॉक सस्पेंशन जो है वो देखने को मिलेंगे। और अगर बात की जाए इस बाइक के लॉन्चिंग डेट की तो ये वाली जो बाइक है गाइस वो इस साल 2022 के जून के मंथ में लॉन्च होने वाली है। और यहाँ पर गाइस हम बात करते हैं हमारी लिस्ट की सेकंड बाइक के बारे में, तो वो है गाइस हीरो एक्सट्रीम 200R। और ये वाली जो बाइक है गाइस वो इस रेंज में काफी अफोर्डेबल बाइक है। और इस बाइक का जो एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है वो है गाइस 1,00,000 रुपीज और ऑन रोड बाइक आपको लगभग 1,15,000 के आसपास की मिलने वाली है। और यहाँ पर अगर बात की जाए इस बाइक के इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको इस बाइक में देखने को मिलता है 199.6cc सिंगल स्टैंडर्ड 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 कंप्लायंस इंजन। और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 18 BHP के अराउंड की मैक्सिमम पावर और 17 Nm के अराउंड का मैक्सिमम टॉर्क। और यहाँ पर आपको इस बाइक में 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स, 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक और फ्रंट और रियर में आपको इस बाइक में डिस्क ब्रेक जो है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर बात की जाए इस बाइक के एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में तो ये वाली जो बाइक है गाइस वो हमें इस साल जुलाई के महीने में इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जो हमारी लिस्ट की थर्ड बाइक है वो है गाइस हीरो एक्सट्रीम 160S। और ये गाइस हीरो की तरफ से एक फेयरिंग बाइक है और इस बाइक का जो एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है वो है गाइस 1,08,000 और ये वाली बाइक आपको ऑन रोड लगभग 1,25,000 के आसपास की पड़ जाती है। यहाँ पर अगर बात की जाए इस बाइक के इंजन के बारे में तो इस बाइक में गाइस आपको देखने को मिलता है 163cc सिंगल स्टैंडर्ड 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन। और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 15.3 BHP के अराउंड की मैक्सिमम पावर और 14 Nm के राउंड का मैक्सिमम टॉर्क। और यहाँ पर आपको उस बाइक में 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए इस बाइक के कुछ की फीचर के बारे में तो यहाँ पर गाइस आपको उस बाइक में 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है और फ्रंट और रियर में आपको उस बाइक में डिस्क ब्रेक जो है वो देखने को मिलेगी। और ये वाली जो बाइक है गाइस वो काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बाइक जो है वो होने वाली है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं इस बाइक के लॉन्चिंग डेट की तो ये वाली जो बाइक है वो हमें इस साल जून 2022 में इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे लिस्ट की फोर्थ बाइक के बारे में, तो वो है गाइस हीरो 450 एडवेंचर। और ये गाइस हीरो की तरफ से एक एडवेंचर बाइक है और इस बाइक का जो एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है वो है गाइस 2,20,000 और ऑन रोड बाइक को लगभग 2,50,000 के आसपास की पड़ने वाली है। यहाँ पर गाइस अगर बात की जाए इस बाइक के इंजन के बारे में तो इस बाइक में आपको देखने को मिलेगा 450cc सिंगल स्टैंडर्ड 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन। और ये इंजन प्रोड्यूस करेगा 50 PS के अराउंड की मैक्सिमम पावर और 45 Nm के अराउंड का मैक्सिमम टॉर्क। और यहाँ पर आपको इस बाइक में 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है और 18 लीटर की इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और अगर बात की जाए इस बाइक की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में तो ये वाली जो बाइक है वो जुलाई 2022 के महीने में इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है। यहाँ पर बात की जाए हमारी लिस्ट की आखिरी व्हीकल के बारे में तो ये वाला जो व्हीकल है गाइस वो हीरो की तरफ से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसका नाम है गाइस हीरो मास्ट्रो। और इस स्कूटर का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है गाइस 80,000। और अगर बात की जाए इस स्कूटर के लॉन्च डेट की तो ये वाला जो स्कूटर है गाइस वो हमें अप्रैल 2022 के महीने में इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाला है। और अगर बात की जाए स्कूटर के कुछ की फीचर के बारे में तो यहाँ पर गाइस आपको स्कूटर में LED हेडलैम्प, LED टेल लाइट, डिजिटल कंसोल विद क्लाउड कनेक्टिविटी, फ्रंट और रियर में आपको ऑलवेज देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात की जाए स्कूटर के राइडिंग रेंज की तो एक बार सिंगल चार्ज में जो ये स्कूटर है वो लगभग 100 किलोमीटर तक राइड किया जा सकता है।
तो गाइस ये थे टॉप 5 बाइक और स्कूटर जो कि इस साल हीरो मोटोकॉर्प द्वारा इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। और गाइस आपको इन पांचों में से कौन सा बाइक या स्कूटर सबसे बढ़िया लगा ये गाइस आपको मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना है। और आशा करता हूँ कि गाइस आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर गाइस आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।